ये अगर मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखना है आपको, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये जो पिन वाली ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ स्क्रीन इस तरह से बन जाएगी और यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर की पेन आएगी। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं और इसकी ऑप्टेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं और जो पेन की विड्थ है यहाँ से चूज कर सकते हैं, मीडियम स्मॉल जो भी है तो मीडियम वाला चूज कर लेंगे। और जो भी आपको स्क्रीन ऊपर लिखना है जैसे आपको 2x² + 5x + 7 मान लो लिख दिए इक्वल टू 0 लिख दिए, तो ये मान लीजिए इस तरह हम पढ़ा सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे। अगर इसको रब करना है तो यहाँ से हम इसमें क्लिक करेंगे। अगर इसमें देखिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक पूरा पूरा स्लाइड को एक ही बार मिटाना है तो इस तरह से इसको स्विप कर देंगे तो ये मिट जाएगा। ओके, और अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें एरिया चूज करनी पड़ेगी। इस तरह से एरिया चूज कर लिए और एरिया में जो भी कुछ आ जाएगा वो सब चीज क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ओके, यहाँ स्लाइड भी है, ठीक है। यहाँ पे पहले इस स्लाइड पे जो भी इस पहले इस पे लिए होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिख लिए स्क्रीन के ऊपर 2x लिख लिए, फिर यहाँ पे चाहे तो आगे अगर फिल हो जा रहा है तो हम यहाँ से स्लाइड चेंज कर सकते हैं। स्लाइड चेंज कर दिए फिर स्लाइड आना रहेगा तो यहाँ पे फिर स्लाइड पे आ जा सकते हैं। ये तो रहा इसके अलावा भी इसमें आपको मिल रहा है एक अलग से बोर्ड, जैसे एक नोटबुक बोर्ड है आई एक इन्फिनिटी है। तो एक काम करते हैं हम नोट पे चलते हैं और जैसे ये नोट पे आ गए तो ये भी एक अलग तरह का बोर्ड है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं नोट 3 है तो नोट 3 पे आते हैं और इसके बारे में इस बोर्ड के बारे में जानते हैं कि नोट 3 में क्या क्या मतलब एप्लीकेशन है, क्या क्या मतलब कैसे इस पे हम क्लास ले सकते हैं। तो देखिए नोट 3 चूज हो गया है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड सॉलिड को अगर कलर लेना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर जो चूज करेंगे उस कलर का आपका बोर्ड हो जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो कोई भी बोर्ड ले सकते हैं, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास बना रहे हैं तो आपको कैसा चूज करना है बैकग्राउंड वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा बोर्ड आपको लेना है वहां पर वैसा ले लीजिए। अभी तो हम बाइक ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें ढेर सारे बोर्ड है, जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन बोर्ड है। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश वाला बोर्ड आ जाएगा। कुछ इस तरह से लाइनिंग वाला भी है क्योंकि छोटे बच्चों पढ़ाने के लिए लाइनिंग वाला भी होता है। उसके अलावा भी जैसा भी आपको बोर्ड चाहिए उस तरह से बोर्ड ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग बैकग्राउंड में देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा जब बोर्ड थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखे तो छोटे बच्चों को काफी अच्छा लगता है। जैसे इस तरह का बोर्ड जो होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी अच्छा लगता है, उसको उसमें उनका मन भी लगता है, ठीक है। उसके अलावा भी अलग अलग तरह के यहाँ पे बोर्ड है, तो आपको जो भी बोर्ड चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये सारे बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको बोर्ड चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको अपनी इच्छा अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज भी बोर्ड है, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है तो अच्छा ये सब्जेक्ट वाइज बोर्ड बनाने का क्या फायदे है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन टूल है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा डिसिप्लिन टूल मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। तो हम मान लीजिए मैथ में जाते हैं, मैथ में आपको मिल रहा है यहाँ पे कंपास, ठीक है, कंपास मिल गया। तो कंपास से आप सर्कल जैसे ज्योमेट्री पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है टीचर लोगों को, तो आप वो लोग यहाँ से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो कंपास ले सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, कैलकुलेटर कंपास प्रोटेक्टर सब चीज है। जैसे भी आपको एंगल बनाना है तो यहाँ से आसानी से आप लोग एंगल बना सकते हैं। यहाँ से एंगल जितना भी डिग्री का एंगल बनाना है, मान लेते हैं कि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का हम एंगल बना लिए हैं। ओके, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जितना डिग्री का एंगल बनाना है तो वो आसानी से हम बना सकते हैं एंगल। इसके अलावा भी इसमें और चीजें भी है। तो चलिए ये मैथमेटिक्स का हो गया, इसके अलावा फिजिक्स के लिए भी है और इसके इसमें केमिस्ट्री का भी, जैसे फिजिक्स का भी आ गया। मान लीजिए कोई सर्किट ड्रॉ करना है और ओके, चलिए हम बैकग्राउंड और कलर का चेंज कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
मान लीजिए हम सॉलिड बैकग्राउंड ले लेते हैं ग्रेड वाला, ओके, और यहां से हम अगर चाहे तो ये चेंज कर दिया, और उसके बाद मान लीजिए कि हम यहाँ फिजिक्स डिसिप्लिन की डिजाइन वाला फिजिक्स यूज कर लेंगे, और हमें कोई सर्किट बनानी है, जैसे सर्किट में हमें बल्ब लगाना है डायरेक्ट, मान लीजिए बल्ब है और कोई सर्किट बना रहे हैं फिजिक्स पढ़ाने हैं और फिजिक्स में हमें बल्ब, ठीक है, ये बल्ब बन गया, जो भी हमें सर्किट में चाहिए उसको हम बना सकते हैं यहाँ से, उसको यहाँ पे बल्ब देखिए यहाँ पे इसको जला सकते हैं बुझा सकते हैं जो भी है, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से डायग्राम हम आसानी बायोलॉजी का बनता है नहीं इसमें बायोलॉजी नहीं हाँ, बना सकते हैं, ओके। इसके अलावा भी इसमें है मान लीजिए कोई भी सर्किट है वोल्ट मीटर है अमीटर है, हाँ। जो भी है जैसे वोल्ट मीटर है, ये कई बार ये होता है बच्चों को समझाने के लिए हमें डायरेक्ट असली डायग्राम लेना ही पड़ता है, जैसे आपको कुछ समझाना है तो आसानी से हम यहाँ से समझा सकते हैं कहाँ के वायरिंग कौन सी करेंगे, इसके थ्रू बहुत आसानी से हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और चीजें इसी तरह सेम टू सेम केमिस्ट्री में है बायोलॉजी में भी है, तो ये सारे चीज इसमें है। अब इसमें केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री मान लेते हैं कि ये कोई चीज है, मान लीजिए कि कॉनिकल फ्लास्क के ले लिए हैं, कॉनिकल फ्लास्क में अगर अलग अलग तरह के केमिकल भर सकते हैं, कितना भर रहे हैं कम ज्यादा जितना भी है आप उसके हिसाब से इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे लोग कर सकते हो क्लोज है ओपन है, ठीक है, इस तरह से इसमें सुविधा है आप इसका यूज कर सकते हैं आसानी से, ओके। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जाए, मान लीजिए कई बार इसमें समझाना रहता है, मान लीजिए सर्कल बना दो, कुछ फिगर जो है जो होते हैं कुछ फिगर्स में फिक्स है, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल ले लिए, और सर्कल ले लिए डायरेक्ट सर्कल रेक्टेंगल ट्रायंगल सब कुछ यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, कुछ जो फिक्स जो फिगर है वो यहाँ पे पहले से दे रखे हैं, और जो नहीं दे रखे हैं उसमें अलग अलग टाइप की लाइनें बनाई गई है, जैसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है तो फटाफट आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, नहीं है कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जैसे मान लीजिए कि कई बार सर्कल अगर मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ाते हैं हम लोग हैं तो कई मान लीजिए सेक्टर बनाना है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमें मान लीजिए सेक्टर बनाना है, सेक्टर बना दिए, अब बच्चों को हमें बताना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ए है ओ है बी है एक ओ बी है, हम अगर ज्यादा अगर ये एक दो फिगर रहेंगे तो हम ए ओ बी बोल देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको जो बच्चों को जो दिखता है वो काफी वो उसको जल्दी से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेक्टर ए ओ बी है तो कोई किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा कि ये माइनस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कुछ दिक्कतें आ जाए, तो अगर आप उसको कलरफुल कर देते हैं जैसे इस तरह से अगर कलरफुल कर देते हैं कि ये देखिए ये जो है जैसे मान लेते हैं ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर को हम माइनस सेक्टर बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं क्योंकि फिगर में वो दिख रहा है, बाकी फिगर से ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो अच्छे समझ सकते हैं बच्चे कि ये कौन सा है, अगर मान लीजिए दूसरे सेक्टर को दूसरे कलर से कलर करना है तो दूसरे कलर से भी कलर कर सकते हैं, ये इसमें काफी अच्छी बातें हैं। उसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे लाइन अलग अलग तरह की लाइन है और ये सब भी आप कर सकते हैं, पेन के लिए आपके पास ढेर सारी पेन दे रखी है, जैसे ये पेन है, ठीक है, हार्ट पॉइंट है, और ये देखिए पॉइंट ब्रश वाला पॉइंट है, इससे अगर आपको लिखना है ब्रश वाले पॉइंट से इससे भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि माय नेम इज विकास, तो देखिए यहाँ पे देखिए राइटिंग में भी कुछ बच्चों को जैसे हेडिंग डालने के लिए कुछ लोग अलग अलग पेन यूज करते हैं, देखिए कितना अच्छे से लिखा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो टीचर अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकता है अलग अलग टाइप के पेन है। अच्छा एक बात और है, इसमें क्या होता है कि कोई भी टीचर चाहे तो अगर स्क्रीन को छोटा बड़ा या कैसे करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत छोटा कर दिए, अब हो सकता है बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो सर बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करिए बड़ा करिए, तो हम यहाँ पकड़ के यहाँ से
उसी तरह से कर देंगे। अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आप चाहें उतना बड़ा करके आसानी से क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। तो ये इसमें सुविधा है। इसमें चाहे तो आपकी पीपीटी भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो टीचर को 10 या 15 पीपीटी की जरूरत पड़े तो यहाँ से वो पीपीटी ऐड कर सकता है। ओके, तो आपको जिस पीपीटी को उसको जाना है उस पीपीटी को लेके ये पढ़ा सकता है आसानी से। उसके अलावा भी यहाँ पे पेन ड्राइव की आपकी कुछ सुविधा दी जाती है, पेन ड्राइव की सुविधा दी जाती है। अगर आप कोई स्टूडेंट है या पेन ड्राइव ले लीजिए, पेन ड्राइव लगाइए और अच्छे से पीपीटी निकालिए और उसको वहां से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसमें वर्क करता है। यहाँ पे टाइपिंग के लिए भी है, इरेजर के लिए इसमें भी दो तीन ऑप्शन है। यहाँ पूरा पूरा स्लाइड, अगर पूरा पूरा रब करना है तो इसको पूरा स्लाइड को एक बार फिर रब कर दीजिए। अगर रब कर दिए तो इसको बैक वापस, मान लीजिए गलती से बैक कर दिए हैं तो इसको वापस लाने के लिए ये वाली जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो वापस वो जो रब हुआ रहेगा वो वापस आ जाएगा। ओके, इसके अलावा मान लीजिए कुछ एक पोर्शन को ही रब करना है तो मान लीजिए कितना पोर्शन को रब करना है जैसे उस पर टिक कर दीजिए। मान लीजिए रवि को हटाना है तो रवि कैसे कर देंगे तो रवि वाला पोर्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी ये वर्क करता है। बस करें, हाँ हाँ, दर्द करने लगा।